एवरीवन, आई एम निहारिका जॉन मेहरा एंड वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। सो आज हम एक क्विक प्रैक्टिस करने वाले हैं मैच द कॉलम क्वेश्चंस की, लेकिन ये टिपिकल मैच द कॉलम क्वेश्चंस नहीं है, ये वोकैबुलरी वर्ड यूसेज प्लस मैच द कॉलम का मिक्सचर वाले जैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। 5 ही क्वेश्चन है, जल्दी से हम देखेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। बेसिकली 5 क्वेश्चन की बहुत बड़ी प्रैक्टिस तो नहीं होती है, बट येस वी नीड टू लर्न कि चीज़ें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। सो आप अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एंड लर्न हाउ टू डू द क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अहेड, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन ताकि जब भी एक नया वीडियो डलता है आपको अपडेट मिलती रहे। अनदर अनाउंसमेंट बिफोर गोइंग अहेड, यस आई नो कि अभी जो वीडियोस डल रहे हैं थोड़े थोड़े गैप में डल रहे हैं, बट जस्ट गिव मी टाइम ऑफ 1 to 2 weeks, मेरे एग्जाम्स हैं सो उस वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ रेगुलरली, बट येस इन 1 to 2 weeks वी विल बी बैक ऑन ट्रैक, जहाँ पर हर ऑल्टरनेट डे प्रोबेबली आपको नया वीडियो मिलता रहेगा दैट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। लेट्स कम टू इंस्ट्रक्शंस नाउ। सो इन द क्वेश्चंस गिवन अहेड अ सेंटेंस और इट कुड बी सेंटेंसेस, इट इज़ गिवन विद 2 blanks इन ईच, फिलर जैसा समझ में आ रहा है। करेस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 2 columns आर गिवन विद 3 words इन ईच कॉलम। यहाँ पर ऑप्शंस आपको डायरेक्ट नहीं दिए हैं, 2 column और दोनों कॉलम में 3 words दिए हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द 2 columns विल परफेक्टली फिट इन टू द ब्लैंक्स टू मेक सेंटेंस कॉन्टेक्स्टुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। दैट मीन्स 6 words में से ज़रूरी नहीं है कि केवल 2 ही एग्जैक्टली फिट हों आपके ब्लैंक में। आपको कॉलम ए दिया गया है, फर्स्ट कॉलम जो दिया गया है वो फर्स्ट ब्लैंक के लिए है, सेकेंड कॉलम सेकेंड ब्लैंक के लिए है, और सभी पॉसिबल वर्ड्स आपको देखने हैं कि उसमें से क्या आ सकते हैं। सो क्विकली आई विल शो यू द क्वेश्चन। ये वाला पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है, एंड देन आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो ट्राई टू यूज़ फुल स्क्रीन मोड ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चन दिखे। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दैट वीमेन डैश इज दैट दे आर मोर कमिटेड टू डैश पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी एट डिफरेंट लेवल्स। कॉलम वन में पॉइंटिंग पॉइंट्स है, कॉलम बी में या सेकेंड में मेंटेनेंस है। सो आपके आंसर ऐसे भी हो सकते हैं, एक तो हो गया कि फर्स्ट वाले में ए आए, फर्स्ट ब्लैंक में ए आए, सेकेंड में ई आए, एक इस प्रकार से हो गया। एक हो गया कि बी के साथ में ई आ जाए, बी वहाँ पर इंटैक्ट है, एक जो दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है, दूसरा पॉसिबल आंसर है, फर्स्ट में बी ही आए लेकिन सेकेंड वाले ब्लैंक में एफ आ जाए, फिर फर्स्ट में सी भी आ सकता है और फिर सेकेंड वाले में ई। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। So the right answer we get here is A, E. And why it is right answer? क्योंकि बहुत ईजी था, यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स नहीं दिए हैं, एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म दिए हैं, जैसे पॉइंटिंग पॉइंट्स पॉइंट बेस वर्ड है, इसी के फॉर्म्स है, मेनटेन का अलग अलग फॉर्म दिया है। सो जब फॉर्म की बात आती है या क्लास ऑफ वर्ड की बात आती है, सो जहाँ तक है मैक्सिमम टाइम एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी। दैट मीन्स आपको ये जो डबल डबल वाले ऑप्शन है ये नहीं मिलेगा, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट रहेगा, जहाँ पॉइंट्स है वहाँ पर पॉइंट्स रहेगा, अगर हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही तो पॉइंट्स बोलेंगे, अदरवाइज पॉइंट बोलेंगे अगर प्लूरल है। सो ये इंटरचेंज नहीं होता है। सो इट इज़ अ गुड थिंग अगर आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट आता है जहाँ एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इट बिकम्स लिटिल ईजियर। An important positive influence that women है, यहाँ पर plural है, women होता है man singular, women is plural, so points आ नहीं सकता। helping verb नहीं मिल रहा है, so is pointing, are pointing, have been something होता तो कोई दूसरा form होता, so that's why pointing भी नहीं आएगा, पॉइंट आ सकता है। सो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि बी और सी नहीं आएंगे, केवल सिंगल वाला ऑप्शन आ रहा है कि ए के साथ में एक ही ऑप्शन आपको सेकंड में मिल रहा है, दैट इज ई। सो लेट्स चेक इट, दैट दे आर मोर कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी।
येस दैट इज ट्रू कि टू के बाद में यूजुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज. मैंने अनअकैडमी पर कुछ रूल्स भी बताए हैं जहाँ पर एक लेसन है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में भी दे वर्क एज अ जेरेंड और फिर वो टू के बाद में लगते हैं. सो उस समय वहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है. सो ये वाला फॉर्म हम नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. Do not worry. What we are using is maintaining, committed to maintaining peace and harmony in society at different levels. That's your next question. You can pause the video and start solving it. So the right answer here is CE only. Again, simplify हो गए यहाँ पे, multiple देखने की ज़रूरत नहीं है. Important, importance, form अलग है. अगर कोई चीज़ important है और degrade है, एकदम अपोजिट चीज़ है ना. Important means it is something on the positive side, degrade किसी चीज़ का खराब होना, हालत को ख़राब होते जाना, तो ये तो एक negative end पे है. So of course एक ही word की possibility है यहाँ पर, with increasing recognition of the dash of women's empowerment. So, with increasing recognition of the importance, important कोई चीज़ होती है. Important is like an adjective. This is important or this is an important file. So, इस प्रकार से आप use करते हो. We cannot use it the के बाद में. एक ही blank है और फिर off लग जा रहा है preposition. Recognition of the degrade. Degrade verb form में लग ही नहीं सकता. C के साथ का option हमारे पास है E. So let's check it. There are often selective efforts with limited objectives, yet these have impacts beyond their limits, limited, unlimited. So yahan par beyond their dash aims. Aims aapka noun hai, to yahan par adjective lagna hai. Aayega limited. Kyun? Kyunki limited yahan par verb ka third form, participle acting as adjective ho jayega. Beyond their limited aims. है ना, डायरेक्ट अगर हमारे पास ब्लैंक होता, सेंटेंस खत्म हो जाता, तो लिमिट्स ठीक था. लेकिन यहाँ पर एम्स भी तो है. एम्स को डिफाइन करने वाला वर्ड लिमिटेड होगा. अनलिमिटेड तो आ ही नहीं सकता. दैट इज लाइक टोटली अपोजिट ऑफ लिमिट. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन नाउ. योर राइट आंसर इज सीई ओनली. अगेन यहाँ पर अलग अलग थोड़े से वर्ड्स हैं, लाइक थोड़े सिमिलर वर्ड्स भी दिख रहे हैं. देखो, ऑब्स्ट्रक्ट, रेस्ट्रिक्ट्स, कंस्ट्रेंट्स, सिमिलैरिटी है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है. सो ये सभी रुकावट वाले वर्ड्स हो गए. हिंडर्स, एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स. सो हिंडर्स, ऑब्स्ट्रक्ट ऑलमोस्ट अगेन फिर सेम कैटेगरी में चला गया. एवेन्यूज का अर्थ एक तो ये होता है कि हाउ एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच, किस वे में अप्रोच करा जा रहा है. या एक नाउन फॉर्म अगर एवेन्यू, दैट इज़ अ ब्रॉड रोड एक जो सिटी में होती है. स्ट्रीट typical street हो गई. चलो अब हम सेंटेंस देखते हैं. Once women start coming out of their narrow household dash to meet regularly. So narrow household what? यहाँ verb तो नहीं चाहिए है हमें. Narrow household, obstruct narrow household, restricts narrow household constraints. ये जो restricts है, restriction noun form होता है. Restricts जो है आपका verb form हो गया. यहाँ पर constraints लेकिन जो word है, constraints is the noun form, कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी limitations हैं, उनके बारे में बात करें, तो C वाला option आ जाएगा. C के साथ में अब हम क्या लगाएं? C, since हम B नहीं लगा सकते, तो बाकी option वैसे ही ruled out हो जाते हैं. एक ही है C के साथ E. Let's check it. Avenues जो है, to meet regularly and discuss wider village issues. Then avenues for their wider role in village development also open up and a much broader impact can be possible. क्या हो जाता है, क्या चीज़ ओपन अप हो जा रही है, एक रास्ता उनकी प्रॉब्लम से निकलने का, या एक रास्ता. Then avenues for their wider role. किस चीज़ के रस्तों की बात कर रहे हैं हम, जो खुल जाते हैं और इट बिकम्स लाइक अ वे आउट, अ मेथड फॉर देम. वाइडर रोल जो उनका है विलेज के डेवलपमेंट में, उसके लिए एक रास्ता निकल आता है. दैट व्हाट इज द रास्ता वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स व्हाई एवेन्यूज इज परफेक्टली फाइन ओवर हियर. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. स्टार्ट सॉल्विंग.
द राइट आंसर वी गेट इज बी एंड डी. एक एक वाली ऑप्शन थे, ऐसे ही में हमें दो मिल रहे हैं, बट क्योंकि प्रपोजिशन यूज हुआ है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि प्रपोजिशन के दो ऑप्शन होंगे जो सही होंगे. सो जहाँ तक चांसेस है, अगर जैसे फॉर सिंस विथ है, सो पॉसिबली एक ही होगा जो यहाँ आ पाएगा. लेट्स रीड. डीह्यूमनाइजेशन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रियलिटी एवर डैश द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. Ever for the emergence, emergence के लिए makes no sense. Ever with the emergence, ever since the emergence. So ever के साथ में since को लिखा जाता है जब आप बता रहे हो कब से कुछ हो रहा है ना. So dehumanization is very much a part of historical reality. Historical reality का part है dehumanization. Ever since, कब से, जब से emergence हुआ private property का. सो बी के साथ में डी हमें मिल रहा है. अगर बी आपने समझ लिया कि सही है तो डी चेक कर लो. यू मीन पॉलिसीज आर डिफीटिंग, हम नहीं बोल सकते, एसेस नहीं बोल सकते. ये है वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म. यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये है वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. सो दीज आर दी थिंग्स. ऑफकोर्स आर है यहाँ पर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा या फिर आई एन जी फॉर्म लगेगा, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा वॉइस है सेंटेंस में. अगर हम बोलें यहाँ पर ह्यूमेन पॉलिसीज आर डैश बाय इनजस्टिस, ह्यूमेन पॉलिसीज के ऊपर काम हो रहा है, तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए रहेगा. क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है. थॉटेड यहाँ पर यूज़ करा हुआ है. थॉट वर्ड जो होता है वर्ब है, इट मीन्स किसी को कुछ काम एक्म्प्लिश करने से रोकना. सो दैट्स वॉट वी आर सेइंग, ह्यूमन पॉलिसीज आर थॉटेड बाय, ये जो पॉलिसीज हैं इनको रुकावट इनमें डाली जा रही है, रोका जा रहा है इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा. सो बी एंड डी ये सही कॉम्बिनेशन है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं. एंड देयर यू हैव द लास्ट वन, स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो द राइट आंसर इज बी एंड डी. यहाँ पर बोला जा रहा है पजलिंग क्वेश्चन इज वाई डू ट्राइबल्स हु फॉर सेंचुरीज हैव बीन सेल्फ सफिशियंट एंड हैव डैश. हैव लगा है, हैव डैश देयर ओन सोशियो कल्चर. हैव के बाद में डैश और डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का पूरा पोर्शन मिल रहा है. यहाँ हम देख सकते हैं कंट्रोल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, कैटेपल्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है. कैटेपल्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना, लूज करना. कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना. मैनेज्ड जो है वो ज़रूर हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म में मिल रहा है. सो दैट्स द पॉइंट जो हमें बताएगा कि मैनेज्ड ही अकेला एक वर्ड जो है आ सकता है. बी के कॉम्बिनेशन में डी और बी के कॉम्बिनेशन में एफ दो चीज़ें दी हैं, लेकिन ये जो डी है दैट इज़ इंटरवेंशन, एक नाउन फॉर्म है. एंड एफ जो है मीडिएट. सो मीडिएट इज़ अ वर्ब फॉर्म. अब देखिए यहाँ ज़रूरत क्या है, सिस्टम्स विदाउट एक्सटर्नल डैश. कोई काम नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन लगाना है. विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मीन्स दखल अंदाजी. बाहर का कोई आकर दखल अंदाजी अगर दे रहा है वो हम मना कर रहे हैं. सो दैट्स वाई बी एंड डी दे मेक परफेक्ट सेंस. इसके अलावा कोई वर्ड हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते. So these were the questions for the video. Thank you so much for watching the lesson. This is about my Unacademy's profile. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, Unacademy पर भी मैं English पढ़ाती हूँ. सभी मेरे courses यहाँ पर English grammar से जुड़े हुए हैं. आपको practice करने के लिए भी बहुत सारे courses मिलेंगे. Just मेरा नाम search करिए, निहारिका जॉन मेहरा. Anyways ways मेरे profile की link description में भी दी गई है. So you can directly go check out my profile अगर आपको English पे और workout करना है. And thank you so much all of you. Do like and share the video. Subscribe kare channel ko agar abhi tak nahi kara hai. Aur baki links Unacademy ki, Facebook page ki, Telegram group ki aapko description mein milegi. I will see you soon. Till then, take care.